खबर पीलीभीत से है। एक महिला की सरेआम की गई लाइव पिटाई। महिला की उसके पति के द्वारा बीच सड़क पर पिटाई करने का मामला प्रकाश में आया है। दरअसल ये महिला राजीव कॉलोनी में अपने पति से अलग अपने बच्चों के साथ रह रही है। 3 साल पहले उषा को उसके पति तिलकराम इघरा निवासी ने घर से निकाल दिया था। उसी समय से ये महिला दर दर की ठोकरें खा रही। इस वक्त उषा देवी पीलीभीत के कई घरों में बर्तन मांजकर गुजारा कर रही है। बीते दिवस महिला राजीव कॉलोनी से रामबाटिका स्थित तहसीलदार के यहाँ बर्तन मांजने जा रही थी। इसी बीच रामलीला काली माता मंदिर के समीप तिलकराम ने रोड पर घेर लिया और सरेआम उषा की पिटाई करने लगा। महिला ने बताया कई बार उसके पति द्वारा उसकी पिटाई की गई। महिला ने पिटाई का कारण तिलकराम के ऊपर कोर्ट के द्वारा खर्चा बंधा हुआ बताया है। जुर्म सहती ये महिला पहले पति के घर से निकाली गई, फिर इसको कोर्ट कचहरी के चक्कर लग कोर्ट द्वारा महिला के पति पर खर्चा बंध गया। कोर्ट द्वारा खर्चा बंधे 16 महीने बीत गए। 4 महीने का खर्चा कोर्ट द्वारा महिला को दिलवाया गया। बाकी खर्चा न देना पड़े इसलिए तिलक राम की प्रताड़ना इस महिला पर जारी है। कई बार महिला ने पुलिस को अवगत कराया मगर पारिवारिक मामला होने के नाते पुलिस भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। फिलहाल पीलीभीत के थाना सुनगढ़ी में तहरीर देकर महिला ने न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना ये है नारी सशक्तिकरण की बात करने वाली सरकार के कारिंदे इस महिला को न्याय दिलवा पाते हैं या नहीं, या इसी तरह से टूटी चप्पल पहनकर अपने बच्चों का पेट पाल रही इस महिला पर इसी तरह से होता रहेगा अत्याचार। क्या मामला है यहाँ, कैसे मारपिटाई हो रही है? इसका नाम है अनिकिरा चलेगा, 3 साल हो गए तो खर्चा बन गो, अब खर्चा नोटिस पहुँच रहा, रस्ता में घेरता है, 6 बार घेर चुके, मारता है। कौन मारता है? ये मारता है पति। कहाँ रहने वाले? इकरा के। आप कहाँ रहते हैं? हम राजीव कॉलोनी रहता हूँ। क्या करती हैं? बर्तन धोता है, काम का रखो औरत को। अच्छा, तो आज आपको घेरा? इससे पहले भी घेरा कभी? 6 बार घेर चुके, आज 6ठी बार घेर हुआ है। कभी आपने शिकायत करी? हाँ शिकायत करी, पर घेरा, मैं रुपया भरता हूँ, छुट्टी पाए गए।